अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं आइलैंड। यहाँ पे ये शिप्स वगैरह हैं और इस तरह का, मतलब ये जो है ना बनी हुई है पानी के अंदर बोटिंग वगैरह की जगह। तो अब हम इधर जा रहे हैं, अब देखते हैं शायद हम बोटिंग करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट हम चल के देखते हैं क्या डिसाइड होता है। देखिए मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और क्या नाम है, बारिश वगैरह हल्की हल्की हो रही थी बट अभी नहीं हो रही। और यहाँ पे जो है मेट्रो चल रही है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। दो तीन दिन बहुत गर्मी लग रही थी बट अब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, लेकिन अब मतलब जैसे कि तेज़ हवा चली हुई है तो लेकिन मतलब सही लग रहा है वेदर, तो बहुत अब जो है ना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शाम के आई थिंक 6 बजे आई थिंक, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी जो है ना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे पानी पी रहा है आराम से, ठंडा ठंडा पानी। यहाँ पे ये जानवरों वगैरह को कहते कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए जानवर वगैरह यहाँ पे आराम से घूम फिरते होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और यहाँ पे हम जो है इस तरह के क्या कपड़ों के बने हुए थे, बैठा रहेगा ये आर्टिफिशियल है? नहीं नहीं आर्टिफिशियल है नहीं आंटी, दिस इज आर्टिफिशियल। इस तरह कपड़ों के इन्होंने बनाया हुआ है ऐसे, ये बैठने की जगह बनी हुई है, लाइटिंग वगैरह। ये रात को बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह अब हम जा रहे हैं आगे, आई थिंक कोई कैंपिंग वगैरह की है इन्होंने हमें रखा हुआ। और इस तरह आप जो है ये आई थिंक फ्री फैमिली फन एलो, ये क्या है। और अब हम जा रहे हैं आगे, तो मोबाइल उठा उठा के हाथ थक जाते हैं। मैं सोच रही थी कि गलती हो गई जो है वो मोबाइल अपना लेकर आना था, मोबाइल सॉरी कह रही हूँ कि मुझे अपना सेल्फी स्टिक लेकर आनी थी, तो ये बना हुआ इस वजह से जो है। तो लेट्स सी, अब हम चलते हैं बोट की तरफ, वहाँ से हम सिग्नल क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इस तरह। कितनी अच्छी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंग लग रही है ऐसे, यहाँ पे जो ऊपर रहते होंगे उनको कितना मतलब वो लग रही होगी, अच्छा व्यू आ रहा होगा। और इस तरह यहाँ पे इस तरह उन्होंने की हुई है, ये जगह बनाई हुई है, ये इस तरफ दरख्त वगैरह, सामने बोट है। और इस तरह ये सामने वाले जो ऊपर होंगे, सामने पानी होगा, वेदर अच्छा है, तो इनको कितना अच्छा लग रहा होगा। इस तरह यहाँ पे है, बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जब से कनाडा आए हैं तो इस टाइम मतलब इस तरह हम पहली दफ़ा घूम रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अब हैं जो सही आराम से घूम लेंगे, लेकिन हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो इस वजह से हम इनके साथ जो है हमारा भी घूमना फिरना हो गया, लेकिन बहुत मज़ा आया है अकेले में, मतलब सबके साथ में बहुत फ़न किया, अकेले में मज़ा नहीं आता इतना, जो है बहुत फन किया, बहुत मज़ा आया। दिस इज कैनरा स्क्वायर, लाइक आई थिंक पता नहीं क्या है इस तरह क्यों बनाया हुआ, कांच वगैरह बना हुआ है, बहुत बड़ा होटल है। इस तरह जो है अब हम सामने जा रहे हैं, आई डोंट नो दिस इज व्हाट इज दिस। तो अब हम यहाँ से हम सामने जाएंगे, ये पता नहीं क्या बना, इस तरह के उन्होंने लगाया हुआ है ये ना, आई डोंट नो पता नहीं क्या है ये, आगे जाएंगे हम। सीधा चलते चलते प्लेन्स की आवाज आ रही है ऊपर से, हम शिप पे आई थिंक हम इसके अंदर बैठेंगे डर लग रहा है, बट पता नहीं है, चल के देखते हैं। ये जहाँ पे किसी की शादी चल रही है
पार्टी हो रही है। हम स्कूल में बैठने वाले थे तो सारे से जा रहे हैं तो लग रहा था कि पार्टी कर रही। अब हम मुझे सीधे जाएंगे स्पोर्ट में, आई थिंक हम बैठेंगे और आराम से इंजॉय करेंगे। जो कैनेडा में रहते हैं उस जगह पर ज़रूर विज़िट करें, बहुत मज़े की जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है, एक तो वेदर बहुत अच्छा बना होगा। अब हम चलते हैं उस तरफ और देखते हैं, इंजॉय करते हैं बोट का मज़ा। अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा प्यारा वाटर है। पानी है, पानी लहरा रहा है, वेदर अच्छा बना हुआ है। जा रहे हैं, आई थिंक हम इसके अंदर बैठेंगे। नो आई थिंक आई डोंट नो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आई थिंक ये भी किसी की पार्टी या कुछ और है, हम इसके अंदर भी नहीं बैठ सकते। Local board members are scared. Just a reminder, there's two bathrooms. Both ways went downstairs on the lower deck. It is open as well. If you're looking for a drink, you head out there to the main deck. हम उधर चलते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कोई शिप ही नहीं मिल रही। जो भी कहते हैं वो कहते हैं प्राइवेट है ये वाली या वो वाली, या एक इधर भी पड़ी की है, वो कहते हैं एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। इस वजह से हमें जो है कोई शिप ही नहीं मिल रही। और जो है ये भी पता कि ये कहते हैं प्राइवेट है, और इधर एक पार्टी चल रही थी वो आपको ऑलरेडी दिखाई है, वो भी कहते हैं प्राइवेट है। इस वजह से अब बंदा मेरे हस्बैंड आप पता करने गए हैं बंदा क्या करे। तो लेट्स ही देखते हैं, अगर हमें कोई शिप मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही सबको देख कर और फिर हम वापस चले जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पुपीज़ भी आए हैं, यहाँ भी हम जो है यहाँ पे यहाँ से कुछ चिकन बर्गर वगैरह ले लेंगे, क्योंकि और हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, इस वजह से हम यहाँ पे खाएंगे खाना। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया वहाँ से, तो उसके बाद अब जो है हम अपने गाड़ी के पार्क जा रहे हैं। हमने गाड़ी लगाई है, गाड़ी को लेकर हम घर जाएंगे। ये छोटा सा पार्क बना हुआ है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक भी करना मत भूलिएगा, ओके शेयर भी करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।